उपराजधानी में 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक शीत सत्र का आयोजन क्या है? सबसे कम दिन चलेगा शीत सत्र। एक सप्ताह चलने वाले शीत सत्र में पूरक मांगे, अशासकीय कामकाज, शासकीय विधेयक, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इस बार कम समय होने के कारण प्रश्नोत्तर नहीं होंगे। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने से प्रश्नोत्तर में मंत्री नहीं होंगे तो जवाब कौन देगा? महाराष्ट्र मध्ये जे राजकीय मधल्या काळामध्ये सरकार बनायला जे काही काळ लागला त्याच्यामुळे आता जे अधिवेशन होत आहे त्याला कालावधी कमी पडतो आहे, हे खरं आहे। आणि म्हणून प्रश्नोत्तराचा तास त्याला 30 दिवस लागतात, त्यामुळे तो होऊ राहणार नाही। पण याच्यामध्ये महत्त्वपूर्ण चर्चा या 7 दिवसामध्ये घेतल्या जातील आणि त्या चर्चेच्या माध्यमातून सरकारकडून विदर्भाच्या जनतेला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे। हर बार विदर्भ को अन्याय सहना पड़ रहा है। विदर्भ के मुद्दों को लेकर सरकार ने हमेशा ही दूरी बनाई है। अब इस साल विदर्भ के मुद्दों पर चर्चा होगी और हल निकले का ऐसी अपेक्षा भी नहीं रख सकते है, क्योंकि इतने कम समय चलने वाले शीत सत्र में क्या विदर्भ को न्याय मिलेगा? कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।